हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो आपके लिए वीडियो मैं लेकर आई हूँ, इसमें एमपीपीएससी, एमपीईएसबी, एसएससी एग्ज़ाम्स हो या फिर रेलवे हो या फिर बैंक या फिर सीटेट, एमपीटीएटी, सभी परीक्षाओं की अब तक जो आयोजित हुई है परीक्षाएं, उन सभी के जो पेपर्स हैं उसमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, वो भी व्याख्यात्मक हल सहित। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में भौगोलिक स्थिति से लेकर टॉपिक है। भौगोलिक स्थिति के जो प्रश्न हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जो पूछे गए हैं, उन सवालों का संग्रह है व्याख्यात्मक हल सहित। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है। इसका आंसर है बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा इसका आंसर है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा। इसकी व्याख्या जानेंगे। व्याख्या है इसकी, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश 23.5 डिग्री है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर पूर्वी में। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसकी व्याख्या जानेंगे हम। व्याख्या है इसकी, रीवा पन्ना मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में टोंस, कैन, सोनार, ब्यानमा और बीहड़ नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठार की ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक है। यहाँ बलुई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र के पूर्व में चावल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? इसका आंसर है सीधी। इसकी व्याख्या जानेंगे हम। मध्य प्रदेश का सीधी जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सीधी जिले का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? इसका आंसर है 21 डिग्री 6 फीट उत्तर और 26 डिग्री 30 फीट उत्तर। व्याख्या है इसकी, ग्लोब पर हरियाणा राज्य की वर्तमान भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 फीट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 फीट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 9 फीट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 फीट पूर्वी देशांतर के मध्य है। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? इसका आंसर है 9। इसकी व्याख्या जानेंगे। मध्य प्रदेश राज्य को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। सागौन और साल के वृक्ष राज्य के जंगलों में बहुतायत में पाए जाते हैं। 9 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं।